नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल बॉलीवुड पैसेंजर में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ट्रिपल डेविड फिल्म दोनों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, फिल्म का नाम दोनों है, पर इस फिल्म से दो नहीं बल्कि तीन स्टार किड्स डेब्यू कर रहे हैं। तो चलिए बताते हैं उनके नाम। अविनाश बड़जात्या जो कि सूरज बड़जात्या के बेटे हैं और इस फिल्म से अपना डायरेक्शन के क्षेत्र में डेब्यू करने जा रहे हैं। साथ ही साथ सनी देओल के छोटे बेटे राजवीर देओल और पूनम ढिल्लों की बेटी कोलोमा थकेरिया ढिल्लो भी अपना एक्टिंग के क्षेत्र में डेब्यू करने जा रही है। साथ ही बताया जा रहा है कि इस फिल्म दोनों की कहानी एक मॉडर्न लव स्टोरी पर बेस्ड है, जिसकी हल्की सी झलक टीजर में दिखाई गई है। और दोनों स्टार किड्स राजवीर और पोलोमा की केमिस्ट्री बहुत बढ़िया नजर आ रही है। 23 साल की पोलोमा रियल लाइफ में बहुत स्टाइलिश है, यही वजह है शायद कि राजश्री प्रोडक्शन ने उन्हें बॉलीवुड में लॉन्च करने का फैसला किया है। जी हाँ साथियों, ये वही राजश्री प्रोडक्शन है जिन्होंने सलमान खान और भाग्यश्री को लेकर 1989 में मैंने प्यार किया फिल्म बनाई थी, जो कि सुपरहिट रही और एक सुपरहिट जोड़ी के रूप में सलमान खान और भाग्यश्री को सभी ने बहुत प्यार दिया। अब 33 साल बाद फिर से दो स्टार किड्स को लॉन्च करने जा रही है राजश्री प्रोडक्शन, जो अब तक लाइमलाइट से दूर थे। अब देखना है कि राजश्री प्रोडक्शन की ये जोड़ी क्या वैसे ही वाहवाहियां बटोर पाती है। 33 साल पहले सलमान और भाग्यश्री को मिली थी। अपनी राय कमेंट करें और बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।